हेलो दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी पफ स्लीव डिज़ाइन। तो यहाँ पे मैंने स्लीव को कट करके लिया है अस्तर के कपड़े पे और ब्लाउज के कपड़े पे, आप देख सकते हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पे 4 इंच का बॉर्डर कट करके लिया है। इसको मैंने अलग से कट करके लिया है, इसे बाद में मैं अटैच करूँगी। तो देखिए, यहाँ से मैंने 7 इंच लिया हुआ है। इस तरीके से यहाँ पे मैंने 7 इंच पे निशान लगा करके लिया है, आप देख सकते हैं। और इस साइड में मैंने यहाँ से 5 इंच पे निशान लगाया है यहाँ तक। तो ये मैं प्लेट के लिए ले रही हूँ 5 इंच। ये देखिए, यहाँ से भी 5 इंच लिया है। दूसरे साइड पे भी 5 इंच पे मैंने यहाँ पे बॉक्स बना करके लिया है, तो आप देख सकते हैं। और ऊपर ये बॉक्स के ऊपर जो 2 इंच एक्स्ट्रा है, ये पफ के लिए लिया हुआ है। और इसके बाद नीचे मेरा स्लीव का माप है, ये देखिए, यहाँ से स्लीव का माप है 4.5 इंच पे। यहाँ पे मेरा वहाँ पे निशान लगाया हुआ है, ये देखिए, 4.5 इंच यहाँ से लिया है मैंने। और यहाँ से मैंने 7 इंच लिया हुआ है। तो आपका जो भी स्लीव का माप रहेगा वो यहाँ से आपको लेना है। और 1.5 इंच यहाँ पे मैंने मार्जिन रखा हुआ है दोनों साइड में, यहाँ से 1.5 इंच, 1.5 इंच यहाँ से, आप 2 इंच भी ले सकते हैं। तो अभी जो है यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने शेप दे करके इस तरीके से कट करके ले लिया है। और अब हम पहले अस्तर को अटैच करेंगे, उसके बाद हम स्लीव को तैयार करेंगे। तो पहले इस तरीके से एक बराबर रख करके सीधा सीधा, पलटना नहीं है, कुछ नहीं करना है, आराम से हम इस तरीके से सीधा सीधा रख करके पहले हम अस्तर को अटैच कर लेंगे, उसके बाद हम प्लेट लगाएंगे। तो इस तरीके से सीधी सिलाई लगाते हुए अच्छे से एक बराबर रख करके हमें सिलाई लगाना है, अस्तर को अच्छे से अटैच कर लेना है। यहाँ से घुमा करके हम ऊपर के साइड में सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, और अच्छे से घुमाते हुए पूरे अस्तर को हमें अटैच करके ले लेना है। यहाँ से हम घुमा करके निकाल लेंगे। तो देखिए, अस्तर को मैंने अटैच कर लिया है। अब जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको मैं कट करके एक बराबर करके ले लूँगी। तो इस तरीके से हमें एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी है उसे कट करके निकाल देना है। तो देख सकते हैं, कपड़ा मैंने कट कर लिया है। और अभी मैं प्लेट लगाऊंगी। तो यहाँ पे जो मैंने देखे निशान लगाया था, उस पर मैंने कट लगा करके रखा हुआ है। दोनों साइड में मैंने कट लगाया हुआ है, देखिए, जो 5-5 इंच पे निशान लगाया था मैंने। तो इस तरीके से छोटे छोटे प्लेट लगाएंगे हम यहाँ पे। इस तरीके से एक कट से हम स्टार्ट करेंगे और दूसरे कट तक हमें इस तरीके से छोटे छोटे प्लेट लगा लेने हैं। तो देखिए, एक साइड में मैंने लगा लिया है, अब ऊपर के साइड में भी मैं लगाऊंगी। यहाँ पे भी मैंने कट लगा करके रखा था, तो इस तरीके से इस साइड में भी छोटे छोटे प्लेट लगा करके ले लूँगी। तो देखिए, इस तरीके से हमें दूसरे कट तक प्लेट को लगा लेना है, छोटा छोटा, बड़ा बड़ा प्लेट नहीं लगाना है। ये देखिए, दोनों साइड में मैंने प्लेट लगा लिया है। इस तरीके से हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा है, इसे हम थोड़ा कट करके ले लेंगे। और इसके बाद जो मैंने बॉर्डर कट किया था, उसमें मैं अस्तर को अटैच कर लूँगी। तो इस तरीके से हम रखेंगे, अच्छे से सीधी सिलाई लगा करके पहले अस्तर को एक सिलाई लगा लेंगे हम। और इसके बाद हम इसे पलट देंगे, और पलट करके यहाँ ऊपर से हम एक सिलाई लगा करके ले लेंगे। अच्छे से फिनिशिंग के साथ में एक सिलाई हम यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे भी मैंने सिलाई लगा ली है, और अभी हम इसको अटैच करेंगे स्लीव में। तो इस तरीके से देखिए, हमें रखना है और सिलाई लगा करके ले लेना है। यहाँ से हम सीधी सिलाई लगाएंगे और अस्तर को इस साइड में हम अटैच करेंगे पहले, और ऊपर के साइड से हम ब्लाउज वाले कपड़े को अटैच करेंगे। तो अभी हम इस तरीके से पलट देंगे और यहाँ पे हम एक सिलाई और लगा लेंगे। तो ये जो हमारा सिलाई है वो अच्छे से बैठ जाएगा। अब हम इस तरीके से पल्टी करेंगे, और अस्तर से हमें थोड़ा बड़ा ही कट करके लेना है ये पट्टी, क्योंकि हमें यहाँ पे फोल्ड करना रहता है। तो इस तरीके से अब हम फोल्ड करेंगे, अच्छे से एक बराबर करते हुए हमें फोल्ड करना है। और फिनिशिंग के साथ में यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे, अच्छे से फोल्ड करते जाएंगे एक बराबर करते हुए, और सीधी सिलाई लगा करके ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं, सिलाई मैंने लगा लिया है। अब जो यहाँ पे एक्स्ट्रा है, इसको मैं कट कर दूँगी। और यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने बॉर्डर भी अटैच कर लिया है, और हमारा जो स्लीव है वो बन करके रेडी हो गया है। अब यहाँ पे अंदर के साइड में थोड़ा सा मैं कट कर लूँगी आगे वाले हिस्से में। तो यहाँ से ये देखिए, इस तरीके से कट करके ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक सिलाई और लगा दूँगी, क्योंकि कटिंग करने के बाद सिलाई निकल जाती है। तो देख सकते हैं, स्लीव हमारा बन करके रेडी है। बहुत ही आसान तरीका है, आप किसी भी साइज़ में इस तरीके से बना सकते हैं पफ वाला स्लीव।
अगर आपको अच्छी लगे डिज़ाइन तो लाइक करें।